मुझे ना बहुत सारे बच्चों ने ना फोर्स कर दिया कि आई शुड कम अप एंड मेक अ वीडियो, ठीक है ना। तो एक तो आपके भाई को वैसे ही वीडियो बनाने का तो बहुत शौक ही है, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। इस तरह ना बैश करने का या डांटने का ना, ऐसी वीडियोस बनाने का मैं शौकीन नहीं हूँ, ठीक है। सो टुडे वाज द रिजल्ट, ठीक है, फेयर इनफ। सबका रिजल्ट आया था, आपका नहीं आया था अकेले का, दुनिया में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। यू मेड मी रियली प्राउड, आई एम सो एक्साइटेड, बहुत अच्छा हुआ रिजल्ट। खुश रहे, माँ बाप की दुआएं लें, उनसे गले वले मिलें, मेरे लिए भी दुआ करें, उनके लिए भी दुआ करें, एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। मिलने आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सही आ जाएं तो अच्छी बात है। अब आते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनका रिजल्ट बुरा आया है। सर मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आया है। बेटा आपका रिजल्ट बुरा आया, अग्रीड बुरा है। अब नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, क्राई ओवर इट, रोते रहे कि हाय अल्लाह होय अल्लाह रिजल्ट बुरा है, नंबर वन। नंबर टू, मूव ऑन करें। ओके फाइन सर, मूव ऑन इज नॉट दैट ईजी, ठीक है, मुश्किल है। तो बेटा पूरा साल भी तो था ना, तब भी तो आपने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीटेक, रीटेक नहीं दे सकते हैं। दो एक डेढ़ महीने बाद पेपर है, जब 10 महीने में नहीं पढ़ पाए, एक डेढ़ महीने में सुसाइड मिशन क्यों करना है, ठीक है। अनटिल अनलेस यू नहीं आया, फेल नहीं हुए हैं। अगर आपका बी सी और डी या ई आए, सही है, उससे लर्निंग सीखे, उससे सीखे कि भाई अब जो अपकमिंग ग्रेड 11 है उस पर इंसान बनेंगे, उसमें एफर्ट्स करेंगे, सही टीचर्स के पास जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस लेंगे और बड़ों की सुनेंगे अबव ऑल, जो कि आप लोग नहीं करते हैं, चाहे वो मुझ जैसा टीचर हो या माँ बाप हो या कोई और टीचर हो, ये करेंगे। अब तीसरा उन बच्चों पे आते हैं, अब वो बच्चे आ जाते हैं कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो बेटा कैन यू डू समथिंग, द आंसर इज नो। अब क्या करेंगे, आप लोग वेट करेंगे क्वेश्चन पेपर का, आप लोग वेट करेंगे मार्किंग स्कीम का। आपको अगर आपका पेपर याद हो तो आप मार्किंग स्कीम से पहले क्रॉस चेक करें, आपको लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, देन गो फॉर द रीचेकिंग। रीचेकिंग में टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। 1 या 2% देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो यार अगर बी या सी आ गया है तो यार बहुत सारे बच्चों के डीज और ईज भी तो आए, वो भी तो देखें। तो लेट्स बी ग्रेटफुल, अल्लाह ने जो रिजल्ट दिया है उसको एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियां देखें, माजी में क्या गलतियां थी उसको इम्प्रूव करें। आई एम 100% श्योर माँ बाप खुश नहीं होंगे, मैं भी खुश नहीं होऊंगा। मेरे पास भी कोई बच्चा रिजल्ट लेकर आ रहा है तो मैं काउंसल करने के लिए तो बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा इट्स ओके फाइन, आगे मेहनत करना, बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि टाइम लगा है, एनर्जी लगी है, आपसे मोहब्बत लगी है, आपसे एक एक जिंदगी का एक साल लगा है। तो ऑब्वियसली आई एम डिसअपॉइंटेड टू, बट द थिंग इज दैट के वी कैन नॉट डू ऑन इट। तो द थिंग इज दैट कि जब आप एक चीज़ का कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं, एंड देर इज ओनली वन वे, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करें। तो एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है, मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई भी इशू हो देन यू नो वेयर टू फाइंड मी, आप मुझसे राबता करें, मुझसे मिलें, एंड देन वी विल डिस्कस ओवर इट। थैंक यू वेरी मच, फीए मानला, अल्लाह हाफिज़।